क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है कि मतलब देते नहीं है कंपनी वाले, या अपने साथ फ्रॉड कर लेते हैं, दूसरे कोई डाल देते हैं उस पर एडवर्टाइज वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी अगर गाड़ी जाती है और वो पूछते हैं कितने की क्या है, उनको अगर मैं बताता हूँ वो मजाक ही समझते हो। तो वेलकम टू अंडरडॉग माइंड्स। तो आज हम बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें कैसे एक लड़के ने 30 रुपए में उसको 18-20 लाख की कार मिल जाती है। सो हम स्वागत करते हैं पीयूष नागर का, और ये इंसिडेंस इन्हीं के साथ हुआ था। तो ये पूरा इंसिडेंस बताएंगे आपकी, ये कैसे शुरुआत हुई, और मुझे तो ये सब कुछ फ्रॉड लग रहा था, पर जैसे आपकी कहानी आपके भाई ने मुझे पूरी सुनाई तो मुझे लगा कि आपको, सभी दर्शकों को भी ये कहानी पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है कि ऐसा फ्रॉड मतलब देते नहीं है कंपनी वाले, या अपने साथ फ्रॉड कर लेते हैं, दूसरे कोई डाल देते हैं उस पे एडवर्टाइज वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने जितने भी मतलब प्रोडक्ट मैं खरीदता हूँ, अगर उस पे आता है तो मैं डाल देता हूँ, जो भी कोड वगैरह आते हैं जिस नंबर पे। जैसे आपने क्या परचेस करा था और पूरी प्रोसेस क्या हुई थी आप बताएं। मतलब मैंने वो फेयर एंड हैंडसम का खरीदा था। उसका भी एक बड़ी मतलब छोटी सी कहानी है उसकी खरीदने की। वैसे मैं कोई क्रीम लगाता नहीं हूँ चेहरे पे। वो क्या है कि गर्मी का सीजन था, आज से 5 साल पुरानी बात है। तो हम गर्मी में बाहर खेलने जाते थे, खेलने खेलने में हो गया मैं काला। तो मासी वगैरह आए थे तो उन्होंने बोला कि तू काला हो गया, ये मेरे को सनक छुड़ गई। मैंने बाइक रोकी, चल दिया तराना की ओर, वहां गया और दुकान पे जाके मैंने कहा का अच्छा क्रीम है ले लिया। उसने दे दिया मेरे को फेयर एंड सब। उस पे कार मंडी थी, मैं गिफ्ट विफ्ट का था, मैंने की दोस्त को कोड जो लिए थे उसके अंदर दे दिया, लगा SMS कर दिया कोड को। उसके 7 दिन बाद मैं तो भूल भुला गया कि हुआ भी था कुछ। 7 दिन बाद मेरे पास फोन आया कि तो भैया आपको कार खुली है। मैंने की तेरी कार तू ही रख ले, मेरे को तो नहीं चाहिए। तो वो बिल्कुल कहने लगा कि सर आपको सही में खुली है आप मतलब। उसने फिर मेरे को कोड बताया, नंबर बताया। मैंने कि ठीक है यार खुली होगी। मैंने कि मेरे को फिर भी नहीं चाहिए, ऐसे तो मैं ही बता दूँ तेरे को नंबर कोड कि ये थे। तो फिर जो कंपनी का ओनर होते हैं, तो अमेरिका से मेरे पास फोन आया था। तो उसने मेरे को बिल्कुल जो जिस मतलब पैकेट था उसके सीरियल नंबर वगैरह सब बताया। तो मैंने चेक करे, मैंने कहा ठीक है सही है। तो उन्होंने बोला अगर आप लेने नहीं आओगे तो हम घर पे डिलीवर कर देंगे आपकी कार। मैंने कहा और अच्छी बात, इससे अच्छी और बात ही नहीं हो सकती, कर दो घर पे डिलीवर। तो उन्होंने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे को ईमेल कर दो। तो फिर हमारे पर एक गाँव है पास में, उनको भी हाईवेस्टर खुली थी, तो फिर उनसे कॉन्टेक्ट करा हमने। तो उन्होंने बताया कि होता है और आपसे ईमेल पर मांगे, तो उन्होंने ईमेल पर मांगे थे, ईमेल पर अपन ने कर दिया जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे थे। उसके बाद उन्होंने फोटो शूट के लिए बुलाया हमारा, कहाँ पर बुलाया था? फोटो शूट के लिए इंदौर बुलाया था। तो हम निकल गए घर से, और इंदौर से मतलब 30 किलोमीटर बचा था। उसके बाद उनका फोन आया कि नहीं आज कैंसिल हो गया फोटो शूट, कार नहीं आपकी। तो हमको फिर लगा फ्रॉड है। तो हम निकल लिए इंदौर के लिए, देखेंगे आज जो होगा वो कि सही है कि फ्रॉड है। तो फिर फेयर एंड हैंडसम की जो ओनरशिप जिसके पास डीलरशिप होती है, वहाँ हम गए, वहाँ जाके पता करा। तो उन्होंने बोला कि हाँ एक को खुली है, देनी है, और लेकिन अभी शोरूम पे वो कार उपलब्ध नहीं है। तो फिर हम शोरूम पे गए, शोरूम पे जाके पता करा, तो शोरूम वाले ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है अब अगली बार जब बुलाएंगे तब आएंगे अपन वापस। तो उन्होंने 2-3 दिन बाद फिर फोन लगाया कि सर आपकी कार आ गई, आप आ जाओ। तो वापस गाड़ी उठा के चल दिए, और वहाँ जाके कंपनी का ओनर वगैरह आया, उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे। ओनर ने डॉक्यूमेंट नहीं देखे थे, ओनर ने डॉक्यूमेंट देखे। तो इतनी अच्छी किस्मत थी मेरी कि ओनर भी नागरी निकल गया। तो मतलब टैक्स वगैरह और नाम वाम से अपने को करवानी थी, तो उसका भी चेक अलग से फाड़ के उन्होंने दे दिया। और बगैर मतलब 5 साल का जो जो होता है वो पूरा कंप्लीट करके उन्होंने अपने को दे दिया, रोड टैक्स वगैरह सब, गाड़ी फ्री करके था। और उसके बाद मतलब जो कलर चूज करना था अपने को, तो कलर हमने चूज करा, तो वो कलर उपलब्ध नहीं था शोरूम पे। उस टाइम की मतलब लेटेस्ट कार थी वो, फुल मॉडल में उनको देनी थी, कौन सी कार थी? डस्टर थी, उसका भी आपका टॉप वेरिएंट ही देना था। टॉप वेरियंट ही देना था उनको। तो वो उस टाइम उपलब्ध नहीं थी। तो हमने मतलब
बता दिया उनको कलर, उन्होंने 3-4 कलर बताए थे रेड वगैरह, तो पापा को रेड कलर अच्छा लगता था। मतलब एक कार हमारे पास पहले से थी जिसमें रेड कलर की थी, तो पापा ने बोला आपके पास वो रेड थी, इसको रेड ले लो। तो कंपनी वाले बोले कि नहीं, रेड कलर बड़ी गाड़ी में अच्छा ही लगता है। तो पापा ने बोला एक काम करो, झांकी आपको जमे वो दे दो। तो उन्होंने बोला फिर सर आप देख लो। तो फिर मैंने देखा था ग्रे कलर, क्योंकि ग्रे कलर अच्छा लगेगा, ग्रे कलर ले लो। तो उन्होंने 10-15 दिन का वेट करने की बोला था हमारे को कि 10-15 दिन में आपकी कार आ जाएगी, आपने जो कलर चूज करा है वो। फिर हम निकल लिए, 10-15 दिन बाद उनका हमने कॉल लगाया, वो तो उन्होंने तो नहीं लगाया। तो फिर हमने लगाया कि 10-15 दिन बाद क्या कार आ गई नहीं है, तो क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि हाँ सर, और मतलब आधे एक घंटे में आपको कॉल करके बताते हैं हम। आधे एक घंटे बाद अपन ने लगा दिया वापस, इतनी एक्साइटमेंट थी मेरे को कि मैंने वापस ठोक दिया उनको फोन कि हाँ। कि उन्होंने फिर बोला कि हाँ सर आ जाओ, आप आ जाइए, आपकी कार रास्ते में ही है। हम निकले, उधर से कार भी आ रही थी, मतलब हम पहुंचे और कार भी वहाँ पे आ गई। तो उसको लगाई उन्होंने, उसके बाद पूजा पाठ वगैरह हमने करी, उसके बाद हम कार को लेके निकले वहाँ से। कार को लेके निकले, बीच में नाश्ता पानी करा हमने मस्त मजे में, मतलब बिल्कुल एंजॉय करते करते हम घर तक पहुँचे। मतलब 3 बजे निकले थे, शाम को 8-9 बजे हम घर पहुँचे, बिल्कुल एंजॉय आराम मस्ती मजे में। उसके बाद घर आके अगले दिन हमने पूजा पाठ करी गाड़ी की। तो हमारे गांव में लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि हाँ खुली भी है कार, या तो लेके आए यूँ बोल रहे थे। मैंने कि ठीक है वो लेके आ गए हम, और अच्छी बात है उसमें तो लेके आ गए। तो ये सब हो गया, उसके बाद हम घूमने निकल गए थे उस कार से। मतलब हाँ एक या 2 महीने बाद घूमने निकल गए थे हम, राजस्थान गुजरात घूम आए उससे बिल्कुल। कितने की थी कार वो उस टाइम पर? उस टाइम पे कुछ 15-15.5 लाख रुपए की थी वो। तो उन्होंने कंप्लीट करके कुछ 18 लाख या ऊपर की पड़ी थी वो। हाँ वो एसेसरीज और टैक्स वगैरह सब। हाँ तो उन्होंने उसका चेक फाड़ के दे दिया था अपने हाथ में। सही है, तो खुशी तो बहुत हुई होगी कि यार मजाक में भी, मतलब वो तो एक किस्मत ही थी। आप खुशी तो होती है, वो कुछ भी चीज अपने को भूलती है तो खुशी तो सौभाग्य की बात होनी ही। मेरे को ये इसलिए ऐसा लगा था यार, मैं भी ऐसा, मेरे को शौक था बचपन में कि कुछ भी ये लकी ड्रॉ टाइप ही होता है ये। हाँ। तो मैं भी खूब मैसेज करता था इधर उधर, पर आज तक कुछ हुआ नहीं। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये भी सब फ्रॉड ही होगा, पर जब से मैंने आपकी कहानी सुनी ऐसा लगा कि नहीं यार ये फ्रॉड नहीं होता है ऐसा। नहीं करना चाहिए, हमारे शोरूम पे भी हमने जब बताया ना कि हमारे को खुली है, तो खुद कंफ्यूज हो गए थे। क्या बोला कि हम तो मंगवाते रहते हैं ऐसे, उस पर कोड भी आते हैं, तो मैंने की करा करो कोड आते हैं। तो वो बोल रहे थे हम कि हम पागल हैं, हम कोड मैसेज नहीं करते हैं। मैंने की करा करो खुलते होते हैं ऐसे। और एक ये है कि मतलब ये जो कॉम्पिटिशन था ये 2 देश के बीच में था। हाँ तो उसमें फर्स्ट प्राइज अपने को खुला था। ये उन्होंने बताया होगा आपको? हाँ उन्होंने बताया था कि फर्स्ट प्राइज एक, मतलब एक की कार थी, बाकी 3 बुलेट थी और छोटे छोटे प्राइज उनके, बाकी मोबाइल वगैरह हेडफोन वगैरह। तो पहला प्राइज अपने को खुला था। और ये भी है कि गांव मतलब कहीं भी अगर गाड़ी जाती है और वो पूछते हैं कितने की क्या है, उनको अगर मैं बताता हूँ कि ये खुली है मेरे को, वो मजाक ही समझते हैं। तो फिर उनको फिर मजाक समझते वो उनकी मर्जी पे, लेकिन मैं बताता हूँ कि ऐसे ऐसा खुलती है, अगर आपको कोड वगैरह है तो डाल दिया करो आप भी, आपकी किस्मत चमक जाए वो बात अलग है। हाँ वो जिस टाइम में खुली थी उस टाइम हम मन भी कर रहे थे, मतलब ये फोन वगैरह मैंने कोड वगैरह नहीं करा था उसके टाइम, हम कार का मन भी कर रहे थे लेने का कि लेनी है। पापा से बोली थी, पापा बोल रहे थे हाँ ले लेंगे इस साल अपन। वो इतना वो किस्मत चमकी मेरे ऊपर के खुली गई वो कार। यूँ तो मतलब कहीं कमी नहीं है अपने पास, बिल्कुल मस्त आराम आदमी। आप एक इंस्टाग्राम का पेज भी चलाते हैं? हाँ नागर कृषि फॉर्म, उसमें देखता हूँ मैं बहुत सारे आपके ट्रैक्टर्स हैं और ये सब है। हाँ है ना, खाली वो कार की कमी है, बाकी ट्रैक्टर भी है, गाड़ी 2-3 बाइक भी है अपने पास, 2 ट्रैक्टर है। वो तो अच्छा हुआ कि आपको नीड थी और वही खुल गई। बहुत बार ऐसा होता है कि नीड नहीं है तो भी खुल जाता है। हाँ होता है ना, वो तो नहीं नीड तो थी लेकिन ले लेते हम, अगर ये खुल जाती उसके पहले ही लेने का ही विचार था हमारा। मतलब तब ये खुली ना तो हम लेने ही वाले थे कार, देखे आते हम कार बुक भी कर दी थी हमने, लेकिन खुल गए तो फिर कैंसिल करवा दी उसको।
ये भी मन हो रहा था हमें कि इसको यहाँ की यहीं कटवा दें और वो जो ले रहा था इनोवा क्रिस्टा वो ले लें। फिर मैंने कहा खुली है तो इसको इसको ही चलाओ, 5 साल बाद नई आएगी उसको देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आप आए हमारे प्लेटफॉर्म पे, सभी को आपने इस चीज़ की वेरिफिकेशन दिया कि हाँ वाकई में ऐसा होता है, और अब तो मैं भी कुछ आएगा तो हाँ तो बिल्कुल करिएगा आप भी ये कभी, क्या भरोसा किस्मत का। सो खत्म करते हैं पॉडकास्ट, और पीयूष नागर जी है कि इनका बहुत बढ़िया इंस्टा का पेज है, जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं ट्रैक्टर्स वगैरह में तो उसमें काफ़ी बढ़िया ये रील्स वगैरह बनाते हैं। इनका इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में भी और इनके फुटेज के साथ शो भी हो रहा है, तो आप वहाँ से इनको फॉलो ज़रूर करना। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमारे को मौका दिया है। अरे नहीं नहीं ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इसके माध्यम से पता चल जाएगा कि हाँ सही में खुलती भी है कार, तो वो आप ट्राई करेंगे कि ताकि कुछ आया तो कम से कम मैसेज तो कर देंगे, भले नहीं आए लेकिन मैसेज तो कर देंगे वो देखने के बाद। अगर आप इस पॉडकास्ट को किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो हमें वहाँ पर जाके रेट जरूर करिए और अपना ध्यान जरूर रखिएगा।